सांसद बालकनाथ ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जय कॉलोनी में शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान भूमि विवाद में कोई बीच का रास्ता अवश्य निकाले, जिससे आपस में भाईचारा कायम रहे और समस्या का भी समाधान हो जाए। रामगढ़ के जय कॉलोनी में 9 जुलाई को शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान भूमि विवाद में पुलिस की लाठीचार्ज और ग्रामीणों की पत्थरबाजी में अनेक ग्रामीणों को चोटें आई। इस मामले की जानकारी मिलने पर सांसद बालकनाथ, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और भाजपा नेता कांति मीणा के साथ रामगढ़ क्षेत्र की जय कॉलोनी में पहुंचे और ग्रामीणों से विवाद के बारे में जानकारी ली। इधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सरकार चाहे तो उन्हें गोली मार दे या फिर गिरफ्तार कर ले, लेकिन ग्रामीणों में मनमुटाव नहीं करे। आहूजा ने 25 जुलाई को बदरपुर गांव में होने वाली रैली में अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कि उनको चोटें लाई हैं, उनका पता लेने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस प्रकार का विवाद यहाँ पर है तो उसमें जो ज़मीन का जिस प्रकार से अन्य समाज के लोगों का उसमें ज़मीन का टाइटल दूसरा है, उसमें हम सरकार से बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार के गांव के अंदर अपने सब लोगों की भावना है, उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आपस में कोई विवाद ना हो, इसके सरकार इसमें संज्ञान लेकर और ज़मीन का हस्तांतरण कर दूसरी जगह पर ज़मीन को अलॉट कर दिया जाए। काफ़ी मात्रा में ज़मीन और यहाँ पर कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और जैसे इस गांव के लोग सब लोग एक साथ में रहते हैं, उनकी भावनाओं को, उसकी आस्था को ठेस ना पहुँचे, ऐसी व्यवस्था सरकार को हम मांग करेंगे करके दे और इसका एक बातचीत के माध्यम से, आपस में बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करें।